हरभजन सिंह ने इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लेकर खोल दिया है बड़ा राज, जिसे जानकर आप सभी को होगी खुशी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एसके स्पोर्ट की और नई वीडियो में। तो दोस्तों, हरभजन सिंह ने महेंद्र सिंह धोनी पर कौन सा खोला है बड़ा राज, बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन अगर आप भी हैं महेंद्र सिंह धोनी के फैन, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी तमाम अन्य क्रिकेटी जानकारियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के खबर में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज की पूरी अपडेट। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हमेशा से ही रोमांच का होता रहा है, फैंस इसे लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं। भारत ने वर्ल्ड कप में हमेशा ही पाकिस्तान टीम के खिलाफ जीत दर्ज की है। भारतीय टीम ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में श्रीलंका को हराकर साल 2011 का वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया था। दोस्तों, सेमीफाइनल में भारत की भिड़ंत पाकिस्तान से हुई थी। अब हरभजन सिंह ने इस मैच से जुड़ा एक बड़ा राज खोल दिया है। दोस्तों, हरभजन सिंह ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा है कि मैच में एक समय पाकिस्तान की टीम जीत की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन पारी के 33वें ओवर में ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान महेंद्र सिंह धोनी ने मुझे विकेट के पास गेंदबाजी करने की सलाह दी, क्योंकि उस समय उमर अकमल बहुत ही शानदार बैटिंग कर रहे थे। भज्जी ने आगे कहा कि मैंने धोनी की सलाह मानकर कातिलाना गेंदबाजी और उमर अकलम की गेंद को समझ नहीं पाए और आउट हो गए। इस मैच का टर्निंग प्वाइंट माना गया है। दोस्तों, हरभजन सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले 5 ओवर में बहुत ही खराब गेंदबाजी की थी, लेकिन धोनी की सलाह से वह बेहतरीन गेंदबाजी करने में कामयाब रहे हैं। हरभजन सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ 10 ओवर में 43 रन देकर 2 विकेट हासिल किए थे। हरभजन सिंह गेंद को टर्न कराने के लिए फेमस रहे हैं। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 260 रन बनाए थे। सचिन तेंदुलकर ने भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए, उन्होंने इस मैच में 85 रनों की पारी खेली थी। वहीं सहवाग ने 38 रन और सुरेश रैना ने 36 रन की पारी खेली। भारत के सभी 5 गेंदबाजों ने 2-2 विकेट हासिल किए थे। पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया और भारत ने 29 रनों से मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश कर लिया था। तो दोस्तों, आज की जानकारी में बस इतना ही। इस खबर के बारे में आप अपनी व्यक्तिगत राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।